भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड की ट्रैक्टर ट्राली रैली में शामिल होने के लिए जहां हरियाणा के किसान विभिन्न इलाकों से जा रहे हैं, वहीं पंजाब के किसान भी पहुंच रहे हैं। किसान सिद्धू बॉर्डर में एकत्रित होकर वहां पर लंगर खाकर काफिले में दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। किसान एक ट्रैक्टर के साथ चार ट्रैक्टर तक जोड़ के ले जा रहे हैं। किसानों के इस काफिले के साथ महिलाएं भी शामिल हैं। इन किसान नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार वार्ता की आड़ में किसानों को मूर्ख बना रही है, लेकिन अब हम मूर्ख बनने वाले नहीं हैं। केंद्र सरकार और किसान जत्थेबंदियों में चल रही वार्ता के कई दौर विफल हो जाने के बाद किसानों ने गणतंत्र दिवस परेड के साथ दिल्ली रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालने का मन बनाया है, जिसके चलते आज गणतंत्र दिवस पर किसान दिल्ली पहुंचे। किसान जत्थेबंदियों ने हरियाणा, पंजाब सहित अन्य राज्यों के किसानों को ज्यादा से ज्यादा दिल्ली पहुंचकर इसमें शामिल होने का फरमान जारी किया है, जिसके चलते आज पंजाब से सैकड़ों ट्रैक्टरों के सहित किसान शंभू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और यहां से वह दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उन्हें वार्ता की आड़ में मूर्ख बना रही है। वार्ता के कई दौर चलने के बाद भी सरकार किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अब किसान उनके झांसे में नहीं आने वाला है। पंजाब से दिल्ली जाने वाले लोगों से जब बात की गई तो उनमें से पंजाब के एक स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि वह भी अपने किसान परिवार के साथ दिल्ली की तरफ रवाना हो रही है और वह भी किसानों द्वारा होने वाली ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगी। उन्होंने कहा कि मोदी के यह तीन काले कानून उन्हें वापस लेने पड़ेंगे। यह कानून किसी भी तरीके से किसानों की भलाई नहीं कर सकते और किसानों की एकता को देखते हुए सरकार को देर सवेरे इन कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। उन्होंने हरियाणा, पंजाब के किसान परिवार की महिलाओं से भी आग्रह किया कि वह भी पूरे जोश के साथ दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे और ट्रैक्टर परेड में हिस्सा ले। वहीं बॉर्डर पर पहुंचे किसानों के समर्थन में दिल्ली जा रहे पटियाला के वकील समूह ने कहा कि वह भी सारे वकील इकट्ठे होकर दिल्ली रवाना हो रहे हैं और वह किसानों के समर्थन में हैं। उन्होंने मोदी से आग्रह किया कि वह अपने तीन काले कानूनों को वापस ले। दिल्ली जा रहे किसान ने कहा कि मोदी के तीन काले कानून लाने के कारण पूरे देश का किसान एकजुट हो गया है। उन्होंने कहा कि आज तक एक ही समूह की एक्सटेंशन कराता था, लेकिन यह पहला एजिटेशन है जिसमें सभी वर्ग जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी को ये तीनों कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। अंबाला से अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं पिंड जर्ग तो आई हूँ, ते प्रिंसिपल हाँ राजा जगदेव मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जर्ग विखे। क्या नाम है? मेरा नाम है जसवीर कौर मंडेर। तो ये जड़ा पब्लिक दे विच इन्ना ज़्यादा मतलब पब्लिक है जी, बड़े उत्साह दे नाल आ रही है, बड़ी खुशी की गल है। सब तो बड़ी चीज़ का ये जड़ा किसानी मोर्चा है, ये दिन है कि साढ़े जड़े हिंदू मुस्लिम सिख सारे वीर भैन कट्ठे हुए ने पंजाब ते हरियाणे दे विच, बहुत ज़्यादा आपस में प्रेम प्यार बढ़ गया है। अज जड़ी साड़ी पब्लिक है अवेयर हो चुकी है कि जड़ा अज का जड़ा मनुख है भी ये मतलब ये किसी के कोई फर्क नहीं है, सारे लोग ने इको जे ने, सारे बराबर ने, ठीक है जी। तो मोदी ने जिहड़े काले कानून ने ये वापस लेने पैणगे, क्योंकि जिहड़ा ये एजिटेशन है ये वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं, पूरे संसार दे विच ये चीज़ है जिहड़ी मोदी के खिलाफ फैल चुकी है कि जिहड़ा मोदी है वह जनता का सरासर जनता के नाल धक्का कर रहा है। इस करके मेरी भी हाथ जोड़ के बेनती है कि हर एक वीर भैन इस एजिटेशन के बढ़ चढ़ के हिस्सा लवे, जो मोदी को यह चीज़ हार मननी पवे तो साढ़े जो किसान वीर ने वो खुशी खुशी अपने घर वापस आन। तो सारियां परमात्मा सेहत या भी बख्शे, यही दुआ करते हैं। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। पटियाले आ रहे हैं, दिल्ली चले हैं। दिल्ली जो तीन काले कानून मोदी सरकार ने देश नू वेच के जो तीन काले कानून बनाए ने, यह पंजाब की हिंदुस्तान की होंद नू उजाड़ देंगे। ये बिलों रद्द कराने लिए असी दिल्ली किसान संघर्ष के मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के किसान जथेबंदियों उत्थे जा रहे हैं। मैं जी हलका भलात तो सरबजीत सिंह लवाणा, और जिहड़े मोदी सरकार ने तीन काले कानून लियांदे है जिस के खिलाफ पूरे देश का किसान एकजुट होया, और मैं समझदा कि किसानी अंदोलन जिहड़ा अज पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के एक बड़ा विकराल रूप ले वड्डा रूप लै चुका है, और उसनों समर्थन करने ना सिर्फ पंजाब का सगों पूरे देश के किसान आम जिहड़ा शहरी है
क्योंकि आप देखते हैं अज तो बाद जिन अज तो पहला जिन्हें भी एजुटेशन चले है चाहे वह दलतों का होवे या जाटा का होवे हमेशा वो खास तबके के लोग ही उन्होंने समर्थन करते हैं। पर इस बारी बड़ी चंगी गल हुई है कि देश के किसान के नाल खेत मजदूर व्यापारी हर वो तबका लोगों ने अपन सियासी पार्टियां छड़ के जिस तरीके इस अंदोलन को समर्थन की है। मैं मोदी साहब को अपील करदा कि अपना लोग मोदी जी लोगों की भावनावां नूं समझो ता कि भारत होर चंगी तरह तरक्की कर सके क्योंकि जेकर किसान देश अन मजदूर खुशहाल होएगा ता ही देश खुशहाल होएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन और JBD